यूपी के हाथरस की मनीषा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर हर तरफ रोष है, लोगों में गुस्सा है। वहीं लोगों का यही कहना है कि मनीषा के आरोपियों को जल्द से जल्द व सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं इसको लेकर चंडीगढ़ में भी आज विमेन पावर सोसाइटी की ओर से मनीषा के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने को लेकर एक कैंडल मार्च की गई। आप सभी को पता है कि आए दिन बलात्कार के जो आंकड़े हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और अब से नहीं पिछले 15-20 सालों से ये रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग एक चाह रहे हैं कि जो एक बेटी है घर की, चाहे वो बेटी हिमाचल प्रदेश से है, चाहे वो यूपी से है, चाहे पंजाब से है, चाहे राजस्थान से है, कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत की बेटियां जब तक घरों से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएंगी तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं ले सकते। आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी जब परेशान हो तो पूरी आबादी कैसे चैन से रह सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जब निर्भया का कांड हुआ तब बोला गया कि पॉक्सो एक्ट आएगा, उसके तहत इतनी इतनी बच्चियों को के साथ, इतने साल से कम बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होते हैं, अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उस घटना को रोकने के लिए हम लोग फांसी की सज़ा निर्धारित की गई। लेकिन आप बताइए निर्भया का समय कब का निकल गया, निर्भया को फांसी कब की हो गई, और निर्भया के पीड़िता को जो जितने उसके साथ आरोपी थे उनको फांसी हुई, लेकिन उसके बाद क्या रेप नहीं हुए, क्या 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ रेप नहीं हुए, उसके बाद भी रेप हुए लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई। आज अगर एक भी बच्ची के साथ कुछ भी दुष्कर्म हो जाता है वो थाने जाती है, पहली बात तो समाज के डर से जाती नहीं, कानून का भय नहीं, अगर चली गई तो FIR दर्ज होने और उसके जो हेल्थ का जितना भी निरीक्षण किया जाता है उसको कराने में ही 1 महीना लगा दिया जाता है। अगर 20 बंदों की गवाही देनी है तो उसमें 20 महीने से भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप सोचिए न्याय कब मिलेगा उसको। जब निर्भया का कांड हुआ तब 7.5 साल का समय लग गया, तो हमें उस टाइम चाहिए था कि कोई ऐसा कानून बन के आता, बोला गया कि फास्ट ट्रैक कानून बन के आएगा लेकिन उसके अंदर 6 महीने में कार्रवाई होगी, मगर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बहुत बार दिए गए हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ये पिछले साल भी लेटर लिख करके भेजा था और इस साल भी हम लोग अभी वाया मेल अभी उनको सेंड करेंगे, और जब जब ज़रूरत होती है तब तब हम लोग आगे आते हैं पूरा संगठन।